नमस्कार दोस्तों, द स्पीड अनुराग सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टैटिक जीके की जो हमारी क्विज चल रही है, आज उसका दूसरा पार्ट है। और इसमें जो है दूसरे पार्ट में हम अगला उसके आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16, अगला क्वेश्चन था मेरा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो जो है उसके अध्यक्ष जो है कौन थे जब, और उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और ये अध्यक्ष तब थे जब मंगल ऑर्बिटर पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्षयान बना था, तो वो थे डॉक्टर के राधा कृष्णन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नंदना ब्लैक प्रिंट नाम की रंगीन कला जो कपड़ों पर रूपांकनों के व्यवस्थित चित्रांकन उपयोग करती है का अभ्यास तारापुर गांव में किया जाता है, ये तारापुर गांव में जो किया जाता है ये कहाँ पे है? तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। आगे अगला क्वेश्चन कि निरंतर प्रतिबंधित वन योगदान की एक विस्तृत श्रृंखला कैसे प्रदान की जाए, इस पर अंतर्राष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस 2019 21 मार्च को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो 21 मार्च को जो है वन संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वो थीम थी वन और शिक्षा। अगला क्वेश्चन कि लोक अदालत का निर्माण किसके तहत किया जाता है, तो जो लोक अदालत का निर्माण है ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। अगला क्वेश्चन, एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधे पराग और कुछ सूक्ष्म प्लवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों रूप में संबंधित हैं, तो ये जो है जो पराग होते हैं पौधे के पराग कण होते हैं इनसे जो संबंधित विज्ञान है उसे कहते हैं परागाणु विज्ञान। ठीक, क्या कहते हैं? परागाणु विज्ञान। और ये है क्या? परागाणु विज्ञान जो है एक वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र है जो पौधों के पराग बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवकों के जीवों के अध्ययन से संबंधित है, दोनों जीवित और जीवाश्म रूप में होते हैं। पुरा वनस्पति शास्त्र क्या है? जीवाश्म और पौधों का जो अध्ययन होता है उसे पुरा वनस्पति शास्त्र कहते हैं। उसी तरह मानव जाति वनस्पति विज्ञान क्या है? पौधों और उनके चिकित्सा धार्मिक और अन्य उपयोगों से संबंधित लोगों के पारंपरिक ज्ञान रीति रिवाजों का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसे कहते हैं मानव जाति वनस्पति विज्ञान। उसी प्रकार जो वृक्षों का विज्ञान है उसे कहते हैं पेड़ों का वैज्ञानिक अध्ययन। फिर अगला क्वेश्चन है कि कला भवन 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है और ये संस्थान कहाँ है, तो ये संस्थान हमारा पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसके बारे में, 1919 में स्थापित किया गया था इस कला भवन दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान की एक प्रसिद्ध केंद्र है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसकी स्थापना जो की गई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। 24 अप्रैल 2019 तक देश भर में क्या मनाया गया, तो विश्व प्रतिरक्षण जो सप्ताह है ये 24 से 30 अप्रैल जो है मनाया गया था। और होता क्या है कि जो अप्रैल माह के लास्ट में मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या रहता है कि लोगों को टीके से बचाव योग्य बीमारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। देश में टीकाकरण में सर्वोच्च सफलता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि मिशन इंद्रधनुष किस लिए चलाया गया था, तो देश में टीकाकरण में सर्वोच्च सफलता हासिल करने के लिए। फिर अगला देखिए कि पौष मेला स्थानीय कलाकारों के लोक नृत्य संगीत भोजन और किस चीज़ की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, तो जो पौष मेला जो है ये एक विशेष त्यौहार है कहाँ का, पश्चिम बंगाल का। तो पौष मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और शांति निकेतन का पौष मेला बंगाल के लोकप्रिय सांस्कृतिक मेले में से एक है।
पौष मेले में बंगाल की विरासत और लोक संस्कृति को दर्शाया गया है। पौष मेला जो है इसमें होता क्या है कि बाउल गायकों के समुदाय के लिए एक तारा के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है भित्तचित्र, हस्तशिल्प, स्थानीय संस्कृति, सांस्कृतिक और प्रतियोगिताएं तथा मेले का प्रमुख आकर्षण बिंदु है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है, तो ये जो है हमारा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में कौन सा है, देखिए कि जो हमारा ये घूम रेलवे स्टेशन ऑफ द दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में जो घूम रेलवे स्टेशन है ये पश्चिम बंगाल हिमालय का रेलवे स्टेशन है, जो कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर स्थित है और यह जो है 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह विश्व का 14वां सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अगला देखिए, निम्न में से क्या हिंदुस्तानी सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत का एक वोकल रूप नहीं है, तो हिंदुस्तानी सांस्कृतिक शास्त्रीय संगीत का एक वोकल रूप नहीं है, तो वो है पखावज। पखावज जो है हिंदुस्तानी संगीत का, शास्त्रीय संगीत का वो नहीं है। फिर आगे देखिए, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, तो जो यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है वो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है, जो कि कहाँ पे है, कोलकाता में है। अगला देखिए, 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी, तो 2016 में जो यूरोपीय टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बनी है उनका नाम है आदिति अशोक। इनके बारे में आइए और कुछ जानते हैं। आदिति अशोक जो थी ये वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपीय टूर पर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और वहीं दीक्षा डागर यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला गोल्फर बनी थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा घोषित किया जाता है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसको कौन घोषित करता है, तो जो इसको घोषित करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो जो खजुराहो का मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड साल में जो है हर मतलब कितने महीने पर बैठक बुलाता है, तो जो राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड है ये जो है हर 6 महीने पर एक बार बैठक जरूर बुलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस को राज्य भर में किस रूप में मनाया जाता है, और बिहार दिवस जो था ये 1912 में जब बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था तभी से मनाया जाता है, और किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद स्मारक शिला यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो जो विवेकानंद स्मारक शिला है ये हमारा कन्याकुमारी में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन, वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है, तो ये जो कपूरथला है ये जो है सबसे कम आबादी वाला शहर है हमारा। अगला क्वेश्चन कि 2018 के लिए पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के पक्षधर यानी कि पेटा जो है एक संस्था है भारत का पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया, तो जो सोनम कपूर हैं इनको जो है पेटा के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन वहीं पे है कि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे इनको फांसी दी गई थी और इसी के लिए जो है मनाया जाता है, और उसका नाम क्या है, तो वो जो है हमारा मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन वहीं पे है कि वर्ल्ड यानी कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी अर्थ एंड द वेदर, इसकी थीम क्या थी, अर्थ एंड द वेदर। वहीं अगला क्वेश्चन देखें तो पियरे क्यूरी ने अपनी पत्नी मैरी क्यूरी और हेनरी बेकरल के साथ 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, और ये जो प्राप्त किया था ये किस क्षेत्र में
प्राप्त किया था, तो ये रेडियो धर्मिता में प्राप्त किया था, रेडियो धर्मिता के लिए इनको मिला था। फिर वहीं अगला देखें तो पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से जो डायनासोर का अंत हुआ था इसका ये जो है लुइस अल्वारेज ने यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? लुइस अल्वारेज ने। फिर वहीं देखें 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो 1912 में जो परमाणु बैटरी का आविष्कार हुआ था वो हेनरी मोजले के द्वारा हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन वहीं देखें तो सुपर स्ट्रेट क्रिकेट के खेल का विश्लेषण करने के लिए नया मंच जिसमें 3 मैट्रिक्स शामिल हैं वो निम्न में से उसमें से एक नहीं है, तो देखिए जो क्रिकेट मैच है उसमें 3 मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, एक है लक इंडेक्स, स्मार्ट स्टेटस और एक है फॉरेस्टर, और क्या नहीं है, तो ये स्कोर इंडेक्स नहीं है। वहीं अगला देखें तो फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन थे जो है पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रचा है, तो हिना जायसवाल हैं जो कि फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनी हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखें तो सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में है, नवाब शिजाउद्दौला के द्वारा बनवाया गया था, यह कहां पर है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश, यह दिल्ली में है, सॉरी यह कहां पर है, तो यह दिल्ली में है। ठीक, तो ये चीज़ है हमारी, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ज़रूर उपयोगी रहेगी, क्योंकि मैंने केवल प्रीवियस ईयर के पेपर जो है घटना चक्र से निकाल करके वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं कि जो भी एसएससी क्वेश्चन पूछी है वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जो विस्तृत में हिस्ट्री चल रही है हमारी मध्यकालीन इतिहास वो आपको जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, या फिर ये लिंक दी गई है इस लिंक से भी आप जा सकते हैं। धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें।